News 18, India. कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे क्या कह रहे हैं, जरा एक बार सुन लेते हैं इस पूरे मसले पर। हमने पहले ही हमको ये तल्ला मिली थी कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा, तो इसीलिए हम और आप मिलकर लड़ना है, लड़ेंगे। मैं फिर भी कोशिश करता हूं उनको अपने साथ रखने का। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लल्लू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम। नीतीश बाबू को आया राम गया राम कह रहे हैं। हर्षवर्धन जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए और उसके बाद मैं बाकी साथियों का अपने रुख करूंगी। मार धूरी थे इस पूरे गठजोड़ की, इसमें तो किसी को संदेह नहीं। कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल कोई बैठने को तैयार नहीं था। और अगर वो धूरी निकल गई तो किसी भी गाड़ी में जब धूरी निकल जाती है तो उस पहिए का, उस गाड़ी का क्या हाल होता है। मुझे ये जो डॉट डॉट वाला गठजोड़ था उसकी वही गति होती दिख रही। और जो सबसे बड़ी बात है कि बिहार की राजनीति में जिसको बार बार कहा जा रहा था कि मंडल कमंडल, मंडल टू मंडल थ्री, मंडल और कमंडल दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने कुछ इस तरह से साध लिया है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में चमत्कारी आंकड़े लेकर आए। मुझे तो ये होता हुआ दिख रहा है। और अच्छा, निश्चित तौर पर अभी अच्छा, चुनाव में थोड़ा समय है, अभी आदर्श आचार संहिता लगेगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक शानदार आंकड़े को छूने जा रही है। जिस तरह से बिहार ठीक किया, जिस तरह से आप बात कह रहे हैं, क्या वो होता हुआ, वो संभव होता हुआ नजर आ रहा है अमिताभ सिन्हा। सवाल इसलिए है कि क्या बिहार की जनता ये नहीं देखेगी कि जिस बात के लिए हमसे वोट मांगा जाता है उससे इतर होकर आप दूसरे के साथ चले जाते हैं, फिर अचानक आपका मन बदलता है, आप इस तरफ आ जाते हैं, या फिर हम मान लें कि 18-19% नीतीश बाबू का जो वोटर है चाहे कुछ हो जाए उनके साथ रहेगा और इसी का फायदा NDA को मिल जाएगा। रूबिका, मैं एक चीज पहले, सबसे पहले बिहारी की जो जनता है ना असहाय है ना। मृत्युंजय कुछ कह रहे हैं, मृत्युंजय तिवारी जो कि RJD के स्पोक्स पर्सन है। अमिताभ, एक सेकंड रोक रही हूं, सुन लेते हैं। क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, जो काम किया है तेजस्वी यादव जी ने, काम किया है, काम करेंगे, जनता के बीच जाएंगे और NDA की नाव, नीतीश की नाव डुबाएंगे। यही नीतीश कुमार थे जो साल भर पहले कह रहे थे कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। आखिर ऐसा क्या आप लोगों ने कर दिया कि वो मरने को तैयार हो गया और फिर बीजेपी? हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ये जो पलटी मार राजनीति है वो फिर जग गया। और इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी की अब कोई अगर भरोसा और विश्वास कर रहा है तो फिर सब लोग देख रहे हैं कि अब ये कहीं के नहीं है और जनता की अदालत में इनको जवाब देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आखिर आपने ये जो विश्व कीर्तिमान स्थापित किया पलटी मार का, इसका अब जनता आप पर भरोसा कभी नहीं कर सकती। नुकसान तो आपको भी हुआ, सरकार में आप भी थे, आपकी भी सरकार चली गई। भाई देखिए, हमें सरकार सत्ता की नहीं, हमें कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं उनको। विश्वास, अश्विनी उपाध्याय कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। हम अभी 78 पर हैं, हम 150-200 के पार जाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा है कि हमको मजबूर किया गया, आखिर क्यों आप लोग मजबूर किए कि फिर एक बार वो उधर चले गए? देखिए, कहने के लिए वो कुछ भी कहे, लेकिन जनता, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है और पब्लिक जनता के सामने सब लोगों को अपना हिसाब देना पड़ता है। पाई पाई का हिसाब आदरणीय नीतीश कुमार जी को देना पड़ेगा। तो यही सवाल जो मृत्युंजय अभी पूछ रहे हैं उसी का तो जवाब खोजने की कोशिश हो रही है अमिताभ, कि ये जो कह रहे हैं हम तो जनता के बीच जाएंगे, पलटी मारने का रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है, अब जनता इन पर भरोसा नहीं करने वाली है। ये सारा रिकॉर्ड होता है नहीं, बस आपको नाम बदल देना होता है। शाहनवाज हुसैन कुछ कह रहे हैं अमिताभ, फिर मैं माफी चाहती हूँ, जरा अरुण का रुख कर लेते हैं। अरुण जी जो है, जो नेता प्रतिपक्ष थे वो सर 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 शाहनवाज जी, शाहनवाज एक मिनट, शाहनवाज हुसैन जी हमारे साथ, शाहनवाज हुसैन जी क्या फैसला हुआ है? अभी अभी विधायक दल की बैठक में बैठक हो गई, हमारे सम्राट चौधरी जी नेता और विजय सिन्हा जी उपनेता, सम्राट चौधरी को नेता चुना है आपने और विजय सिन्हा जी को उपनेता। देखिए बड़ी खबर है, सम्राट चौधरी जी जी जी, बड़ी खबर है रूबिका, ये सम्राट चौधरी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनको नेता चुन लिया गया है, यानी
जो बीजेपी के विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी को चुन लिया गया है और विजय सिन्हा को उपनेता, यानी सम्राट चौधरी अब भारतीय जनता पार्टी का जो पटना में जितने भी विधायक हैं उनके नेता हैं। सवाल यह है कि अब उनको चूंकि नेता बनाया गया तो क्या उप मुख्यमंत्री उनको बनाया जाएगा, क्योंकि सुशील मोदी जब उप मुख्यमंत्री थे तो ये क्राइटेरिया होता है। अगर आप विधायक दल के नेता हैं, विधायकों के नेतृत्व कर रहे हैं, तो क्या सरकार में भी भागीदारी होगी? अब तक तो प्रदेश अध्यक्ष थे वो, लेकिन विधायक दल के नेता चुन लिए जाने के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं रहेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति दो बड़े पदों पर नहीं रह सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का